हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू वर्ल्ड एजुकेशन एकेडमी कैसे हैं आप सभी आई होप यू विल बी फाइन सो हमारे आप सभी जानते हैं कि डे थर्टी सेवन तक कंप्लीट हो चुके डे थर्टी सिक्स तक कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डे थर्टी सेवन आउट ऑफ सिक्सटी ओके तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इतनी तेज़ी से हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आगे बढ़ रहा है तो आज की इस डे थर्टी सेवन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का एक न्यू टॉपिक ओके okay? जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं कीप ऑन का यूज़ यस yes. आज हम लोग सीखेंगे कीप ऑन के डबल ई पी कीप ऑन का हम लोग कहाँ यूज करते हैं आखिर कौन है ये भाई साहब इनको आज हम लोग अप्लाई करके देखते हैं तो कीप ऑन का जो यूज किया जाता है वो ऐसे सेंटेंसेस में किया जाता है जिनकी एंडिंग होती है ता ता ती ते रहता है यानी ऐसे सेंटेंसे जिनकी एंडिंग ता रहता है ती रहती है ते रहते से होती है आपका ओके ये क्या बला है तो ये बला नहीं ये बल्कि एक आपके लिए बड़ी ही अच्छी कला है कैसे क्योंकि देखिए ता रहता है ती रहती है। अभी तक आपने सीखा था कि ता ती, ते, पर ये रहता है साथ में आ गया जिसकी वजह से सेंटेंस में ट्विस्ट आ गया ओके सो so, जैसे मैं कहता हूँ मैं खाना खाता हूँ तो ये तो नॉर्मल इंडेफिनेट टेंस हो गया पर मैं कहता हूँ मैं खाना खाता रहता हूँ तो यहाँ से आपको कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा कि हम कोई काम करते रहते हैं और उसे कंटिन्यू करते रहते हैं ये यहाँ पे कुछ इस तरह की फीलिंग आ रही है यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट प्लस कंटिन्यू टेंस आ गया ये यह हमारा यहाँ पर ओके तो यहाँ पे दोनों चीज़ों का यूज़ करना है यानी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस वाला रूल भी यहाँ अप्लाई होने वाला है और साथ में कीप ऑन को भी लगाना है तो अब ये चीज़ को देख के घबराना मत कि ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो गया तो हाई लेवल नहीं है बल्कि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लो और इंटरेस्टिंग लेवल है क्योंकि अब आप लोगों की देखो बेसिक लेवल कंप्लीट हो चुकी थी ओके जो बेसिक लेवल आपके लिए मैंने बता दी कि आपकी वो फर्स्ट लेवल होती है इसके बाद अब आपकी सेकेंड लेवल भी कम्प्लीट हो चुकी थी अब आप पहुंच चुके हो थर्ड लेवल पर तो जैसे जैसे लेवल बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा काम भी बढ़ेगा तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल है इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा तो इसका पूरा का पूरा यूज़ सीखते हैं सर इसके रूल सीखते हैं क्या है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें दोनों चीज़ों को लगाना है इंडेफिनेट भी लगाना है साथ में हमें कीप ऑन भी लगाना है ओके okay? और किस तरह के सेंटेंस में कीप ऑन लगाया जाते भी मैंने आपको बता दिया तो फार्मूले का बस अप्लाई करते चले जाना फॉर्मूला हमारा डूडस वाला ही यहाँ पर लगेगा इंडेफिनेट वाला ही जो हमारा फार्मूला है वही यहाँ पर लाएगा बट थोड़ा बहुत चेंज आएगा जो मैं भी आपको बता देता हूँ ओके okay, तो देखिए अब हमारे क्या क्या फॉर्मूले अप्लाई होंगे अफर्मेटिव के लिए देखिए बिल्कुल सिंपल बात है सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट इसके बाद फिर हमारा आएगा यहां कीप ऑन मैं आप लोगों के लिए यहां पे एक ब्रैकेट छोड़ रहा हूं ऑन अभी बताऊंगा इस ब्रैकेट को घबराइए मत तो सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एनजी एंड हमारा ऑब्जेक्ट क्लियर नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज आएगा प्लस में थर्ड नंबर पर नोट आएगा इसके बाद फिर हमारा की पोन अब यहां पर ब्रैकेट बनाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है प्लस में हमारी वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट एंड इंटेरोगेटिव की बात करें सो डू डज हमारा पहले आ जाएगा प्लस में सब्जेक्ट प्लस में कीपोर्न प्लस में वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट बस खत्म ये रूल्स आके लेते हैं अब मैं आपको ये समझाता हूं कि ये ब्रैकेट को मैंने खाली क्यों छोड़ा तो यहां पर लिखेंगे हम लोग एस क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट के अगर हम लोग रूल को देखें तो अफर्मेटिव में एस सी आई एस लगाया जाता था तो यहाँ पे हमें वर्ब के साथ एस सी आई एस नहीं लगाना बल्कि कीप के साथ एस लगाना है तो हम यहां पे कीब ऑन कर देंगे और एस कब लगाते हैं जब हमारा सिंगुलर होता है तो इसका भी ध्यान रखना है कि एस कब लगाया जाएगा जब सिंगुलर होगा जब हमारा सेंटेंस सिंगुलर होगा मेरा मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तभी हम लोग ऐसा लगाएंगे वरना तो हम ऐसा नहीं लगाएंगे जैसे ही शी इट अगर हमारा सब्जेक्ट होगा तो हम लोग कीप्स ऑन लिखेंगे अगर आई यू वी दे होगा तो हम लोग ओनली कीप ऑन लिख के छोड़ देंगे खाली और नेगेटिव में तो आप जानते हैं कि डूडस आ जाता है ऐसा लगानी कोई जरूरत ही नहीं है तो ध्यान रखिए यहाँ पर मैं वर्ब को नहीं छेड़ना वर्ब तो एज इट इज रहेगी बस यहाँ पर डूडस और खाली कीप में एस या ई एस लगेगा ओनली एस लगेगा ठीक है और बाकी तो फार्मूलाज आपको आते ही हैं समझ आ रहा समझ जाएंगे एक बार इसका फटाफट फड़ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ओके स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ओके वेरी गुड तो चलिए सभी ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट अब हम लोग बढ़ते हैं एक एग्जांपल की तरफ ओके okay, तो जैसा कि एग्जाम्पल एग्जाम्पल में क्या है हमें करना क्या है वो देखिए आप लोग एग्जाम्पल में क्या किस चीज का ले रहा हूं तो ये लीजिए वह खेलता रहता है अब इसे हमें बनाना है तो फार्मूलाज को देखते हैं याद होंगे आपको फार्मूलाज चलिए आगे बढ़ते हैं तो हमारा क्या आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट आता है तो हमने लिख लिया ही क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे वह है ही के साथ फिर क्या आना हमारा है? कीप ऑन तो आप देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है तो कीप्स ऑन हो जाएगा कीप्स ऑन और क्या करता रहता है प्ले खेलता रहता है तो ही कीप्स ऑन प्ले प्लेइंग आई एनजी आएगा वर्ग के साथ ही बात करें तो ही के साथ do है, does, तो does आता है हम लोग लगा देंगे यहां डज ही डज इसके बाद नॉट थर्ड नंबर पर ही डज नॉट कीप ऑन अब एस ई आई एस एस तो आएगा नहीं हमारा कीप के साथ कीप ऑन प्लेइंग प ऑन प्लेइंग इंटरोगेटिव की बात करें तो हेल्पिंगर पहले आ जाएगी इट मीन डज ही कीप ऑन प्लेइंग डज ही कीप ऑन प्लेइंग क्लियर बिल्कुल सिंपल सेंटेंस था तो अब जिन बच्चों को समझ में आ गया वो मुझे फटाफट से चैटबॉक्स में थम्सअप दीजिए और जिन बच्चों का डाउट हो मुझे बाद में कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट्स बना सकूं जिन बच्चों को समझ में आ गया मुझे अप दीजिए वेरी गुड बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया है ओके okay, इसी तरह से करते रहिए यस वेरी गुड मतलब आप सब लोगों को समझ में आ गया बहुत सारे बच्चों ने मुझे अप दिया वेरी गुड इसके बाद फिर अब हम लोग एक प्रैक्टिस वक्त ले लेते सेंटेंस प्रैक्टिस में देखते कितने बच्चे उसका आंसर दे पाते हैं लीजिए तुम सोते रहते हो फटाफट फड़ से इसका आंसर दीजिए मुझको अफर्मेटिव नेगेटिव एंड टेटिव तीनों में एम वेटिंग फॉर यू डू फास्ट एवरी वन डू फास्ट बहुत ईजी सेंटेंस है आप लोगों के लिए फार्मूलाज okay. को ध्यान में रखिए और सेंटेंस बनाते चले जाइए येस yes, बच्चों का आंसर मिलने लगे मुझको यू कीप ऑन वेरी गुड कुछ बच्चों ने कीप के साथ ऐसा लगा दिया है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंग प्लूरल है तो हमारा ऐसा नहीं आएगा सो यू कीप ऑन स्लीपिंग यू कीप ऑन स्लीपिंग वेरी गुड नेगेटिव का भी आंसर हमें मिल चुके हैं यू डू नॉट कीप ऑन स्लीपिंग एंड डू यू कीप ऑन टू कीप ऑन स्लिपिंग वेरी गुड बिल्कुल करेक्ट आप, आप सब ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया सो so, आज की क्लास में बस इतना ही अब इसी तरह से आप प्रैक्टिस में अपने खुद के वर्क अपने खुद के सेंटेंसेस बनाइए प्रैक्टिस कीजिए सो so, आज क्या इसी के साथ हमारा सेशन होता है कंप्लीट मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में तो बस स्क्रीन पर लिखे वर्क को हमारे लिए ज़रूर कर देना ओके okay? तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में टिल दैन बाय बाय